आज हम बात करेंगे साल 2025 की। जी हाँ, 2025 में होने वाली यूपीएससी परीक्षा और उस परीक्षा में एस्पिरेंट्स के मन में आने वाले डाउट्स के बारे में। अब वैसे को कहने को तो 2025 में होने वाली परीक्षा में अभी लगभग 1.5 साल की दूरी है और अभी तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अगले साल आएगा, मगर यूपीएससी के बारे में कहते हैं कि इसकी तैयारी के लिए जितना समय मिले उतना लगा देना चाहिए और जितनी जल्दी हो उससे तैयारी इसकी शुरू कर देनी चाहिए। तो आइए अब हम भी बिना और समय गवाए चर्चा कर लेते हैं कि अगले साल होने वाली परीक्षा की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और इसके लिए किस तरह का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी 2025 स्ट्रेटजी प्लान प्लस बुक लिस्ट प्लस टाइम टेबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गेट बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो तैयारी शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रणाली, योग्यता, पाठ्यक्रम आदि। तो सत्यापन के बाद आप सही योजना बना सकते हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके जवाब को बिना मिले आगे बढ़ना मुश्किल है। तो इसके बाद जब आपको इन सबके सवालों के जवाब मिल जाएं, आप अब इस यात्रा के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें। तो आपने अनुकूल समय योजना बनाए, तो आईएएस अधिकारी बनने के लिए एक व्यवस्थित जो है दैनिक दिनचर्या आपको बनानी होगी। तो तैयारी करने से पहले आपको एक आरामदायक समय सारणी बनानी होगी और उस पर आपको टिकना होगा। समय सीमा आपको बेहतर काम करने और पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी। नेक्स्ट इज नोट्स बनाना। तो यूपीएससी की तैयारी करते समय छोटे नोट्स लिखना काफी फायदेमंद होता है। यूपीएससी का विशाल सिलेबस भागों को कवर करने में मदद करता है और संशोधन के लिए रेडी रेकनर भी है। आपके पास विभिन्न विषयों पर अलग अलग फाइल या नोटबुक हो सकती है। ये विशेष रूप से करंट अफेयर से जुड़ी खबरों को एक विशिष्ट विषय से जोड़ने में भी काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट इज लेखन अभ्यास। तो यूपीएससी में सफल होने के लिए सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने ज्ञान को साबित करना भी होगा, इसलिए लिखने का निरंतर अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विसेज का मेंस, आपको वैचारिक स्पष्टता के साथ सोचने और अपने विचार और जो धारणाएं हैं उनको ठीक ढंग से व्यवस्थित करने की जरूरत है। तो ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर पुस्तिका में पर्याप्त समय नहीं मिलता है, तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर कम शब्दों में जल्दी तरीके से देना है और प्रभावी रूप में देना होगा। तो उत्तर लेखन में पर्याप्त अभ्यास के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। साथ ही साथ गत वर्ष के पेपर और मॉक टेस्ट, तो तैयारी के दौरान अपना आंकलन लगातार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको अपनी मजबूतियों के बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ अपनी कमियों का भी पता चलता रहता है। तो यूपीएससी परिणामों, स्तरों और प्रकार के प्रश्नों के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत है पिछले सालों के प्रश्न पत्र। तो इससे आप यूपीएससी परीक्षा के पेपर के रुझानों को आसानी से समझ सकेंगे और किसी विशेष विषय में कौन से क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है ये भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है समाचार पत्र और करंट अफेयर्स। ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि समाचार पत्र आईएएस जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आईएएस परीक्षा को पास करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए अगर आप दैनिक समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं या आईएएस परीक्षा के लिए जो दैनिक समाचार है उनका पालन नहीं करते। सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर्स से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इनफैक्ट सिविल सेवा परीक्षा में दूसरे प्रश्न जो होते हैं ना वो भी करंट अफेयर्स से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित ही होते हैं। यही कारण है कि आपको दैनिक समाचार पत्र पढ़ने होंगे और जो संबंधित खबरें हैं उनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी किताबों से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस उलझन का पूरा जवाब आपको प्रभात बुक से ही मिल जाएगा। प्रभात बुक्स आपके सामने यूपीएससी की किताबों का विस्तृत जो है रेंज वो प्रस्तुत करती है ताकि आपको ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े। फिर एनसीईआरटी सार संकलन, यूपीएससी की तैयारी में सबसे पहला नाम एनसीईआरटी का ही आता है और प्रभात बुक्स आपके लिए एनसीईआरटी के सभी विषयों का एक सार लेकर आया है जिसे आप एनसीईआरटी के विकल्प के रूप में पढ़ सकते हैं। इसमें आपके एनसीईआरटी के सभी पॉइंट्स एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं और आपको अलग अलग किताब छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर एक्ट
विद शॉर्ट नोट्स। अब इस किताब में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो जानकारियां हैं वो मिलेंगी, साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इत्यादि पर भी स्पष्ट और सरल नोट्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट बुक इज भारतीय कला एवं संस्कृति। ये पुस्तक अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारतीय कला, संस्कृति और विरासत के कई रूपों जैसे कि चित्रकला, हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प, नाट्य, नृत्य, संगीत, मूर्ति और जो दूसरी कलाएं हैं, अभिलेख, साथ ही साथ शिलालेख, पर्व त्योहार, भाषा, साहित्य, शिक्षा, धर्म और दर्शन के नवीनतम आंकड़ों से समीक्षा की गई है। पुस्तक के अंत में चार इनफैक्ट परिशिष्ट भी हैं जो कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सामग्री भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट के 85 ऐतिहासिक निर्णय। इस पुस्तक में सर्वोच्च न्यायालय के 85 ऐतिहासिक फैसले दिखाए गए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई विधि व्यवस्था को समझाते हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षा में अभ्यर्थी की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को समानता के मूल अधिकार से लेकर भूमि सुधार और आर्थिक मामलों पर भी उजागर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकांश महत्वपूर्ण विषयों पर दिए गए फैसलों की सूची के अलावा अपने ही फैसलों में बदलाव की सूची भी दी गई है। बीच बीच में संविधान के प्रमुख प्रावधानों को भी रेखांकित किया गया है ताकि लोगों को संविधान के उन प्रावधानों से संबंधित निर्णय को समझने के लिए पूरे संविधान को पढ़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे तो प्रभात में यूपीएससी से संबंधित हर एस्पेक्ट की बेहतरीन किताबें आपको मिल जाएंगी और यदि मैं उन किताबों के बारे में अभी आपको बताने लगूं तो ये वीडियो आराम से 3-4 घंटे का हो जाएगा। वैसे मैंने प्रभात की किताबों के बारे में पहले भी आपको कई वीडियोस में बात की है। नेक्स्ट इज टाइम टेबल। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक सही टाइम टेबल की, क्योंकि परीक्षा में लगभग 18 महीने का समय बचा हुआ है और आपको इस समय का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो पहले महीने में सिलेबस का अध्ययन करें और पूर्व वर्षों के जो पेपर्स हैं उनका भी अध्ययन करें। दूसरे महीने में सिलेबस के मुख्य विषयों का अध्ययन करें और आत्म मूल्यांकन भी करें। तीसरे महीने में विषयवार मॉक परीक्षणों का आयोजन करें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। चौथे महीने में प्रमुख विषयों का गहराई से अध्ययन करें और नोट्स बनाएं। पांचवें महीने में नए पैटर्न के अनुसार तैयारी करें और समस्याओं का समाधान करें। छठे महीने में विषयवार मॉक परीक्षणों और आत्म मूल्यांकन के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सीरीज आप प्रैक्टिस करें। सातवें महीने में विषयवार बूस्टर सत्रों का आयोजन करें और समस्याओं का समाधान करें। आठवें महीने में विषयों का गहराई से समीक्षा करें और आत्म मूल्यांकन करें। नौवें महीने में आत्म समीक्षा करें और अतिरिक्त समय का नियमित रूप से अध्ययन करें। वहां 10 से 15 गहरा अध्ययन होगा, मॉक परीक्षण होगा। दसवें महीने में विषयों का अध्ययन और मॉक परीक्षणों की अतिरिक्त आप सत्र करें। 11वें महीने में प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक परीक्षणों की दृष्टि से तैयारी करें। 12वें महीने में आखिरी समीक्षा और आत्म मूल्यांकन के साथ साथ अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें। आपको इसके बाद का पूरा जो समय रह गया है वो रिवीजन, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स पर आपको फोकस करना चाहिए और इस टाइम टेबल का अनुसरण करने से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अच्छे प्रदर्शन की संभावना आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहें प्रभात एग्जाम। नमस्कार।